अगर आप दीपावली से पहले ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करके सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टेक महिंद्रा इस वक्त बहुत सारी ओपनिंग आप सभी के लिए लेकर के आई है जी हाँ ये जो ओपनिंग है इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये बंपर वैकेंसीज है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है सैलरी पैकेज आपको कितना मिल रहा है साथ ही साथ आपको काम क्या करना होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी पूरी जानकारी लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर सो so फ्रेंड्स सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और टाइप करना है डब्ल्यू 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 डॉट जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन डॉट इन और एंटरप्रेस करना है और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो गाइज देखिए आपको बहुत सारी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी पेटीएम की एक वैकेंसी अभी इस वक्त आप सभी के लिए चल रही है और यहाँ पर तकरीबन डेढ़ के आसपास वैकेंसीज है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर यह वैकेंसी है तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो मेक श्योर sure आप अप्लाई कर दीजिए तो फर्स्ट ओपनिंग पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिए इस वैकेंसी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे ओपन अप होकर आ जाएगी आप सभी के लिए तो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है ये टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट की प्रोफाइल पर है टेक महिंद्रा अभी टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट की प्रोफाइल पर लोगों को हायर कर रही है फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं नोएडा लोकेशन की वैकेंसी होने वाली है सैलरी पैकेज आपको तीन से पांच लाख पर एनम तक का दिया जा रहा है आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टेक महिंद्रा का एक छोटा सा ओवर दिया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि टेक महिंद्रा इस वक्त ऐसे कैंडिडेट को हायर कर रही है जो कि की टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट की प्रोफाइल पर काम करेंगे नोएडा लोकेशन में उनको काम करना होगा और वो कैंडिडे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ पास अभी अभी कंप्लीट करी है और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं ठीक है अब यहां पर आपको काम क्या करना है यहां पर आपको कस्टमर्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है एक होता है कस्टमर सपोर्ट जिसमें कस्टमर की जो भी क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू एनी थिंग्स वो आपको सॉल्व करनी होती है बट ये जो प्रोफाइल है इसमें आपको कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करना है कोई टेक्निकल ग्लिंच आता है उनके पास तो आपको वो रिजॉल्व करना है इस वैकेंसी की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भले ही आपको सैलरी थोड़ी कम लगे लेकिन इंसेंटिव्स जो है ये बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट की जो भी वैकेंसीज होती हैं उसमें जो पैसा है काफ़ी कस्टमर पे करते हैं और साथ ही साथ उनको जो है इंसेंटिवस वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो यहाँ पर चेकआउट कीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू द कस्टमर वाया फोन ई और चैट आपको कस्टमर को फोन ईमेल और चैट के जरिए कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा टेक्निकल सपोर्ट को लेकर के ट्रवल शॉर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यू इंक्लूडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में इश्यूज है वो भी आपको सॉल्व करने होंगे रिजोल्व कस्टमर क्वायरीज एंड टेक्निकल इश्यूज इन अ टाइमली एंड अफिशियंट मैनर डॉक्यूमेंट एंड लॉक टेक्निकल इश्यूज सोल्यूशन एंड कस्टमर इंटरेक्शन इन अ कंपनी सीआरएम सिस्टम एस्कलेट अनसॉल्व इशू टू हायर लेवल सपोर्ट और रिलेवेंट डिपार्टमेंट एज नीडेड तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि यहाँ पर आपको टेक्निकली काम करना होगा यानी कि आपको कंपनी में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ऑब्वियसली बात है अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं आपने बीबीए किया है बी टेक किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी बट अगर आपने ये कोई डिग्री नहीं की है क्योंकि क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिर्फ ट्वेल्थ पास है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको लोगों को टेक्निकली भी उनकी जो क्वायरी है वो रिजॉल्व करनी होगी अब यहां पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप यहां पर चेकआउट कीजिए यहाँ पर ट्वेल्थ पास कैंडिडेट जिन्होंने ट्वेल्थ पास की है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर आर एनकरेज टू अप्लाई एज इन फ्रेशर अगर आप आ, जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको यहाँ पर एनकरेजमेंट दिया जा रहा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर्स की भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए और नेटवर्किंग की भी इनकेस नहीं है तो आप रीड आउट कर लेना गूगल से आपको बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगी और इजिली आप यहां पर काम भी कर सकेंगे एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बोथ इन वर्बल एंड रिटर्न इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन होना जरूरी है स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको यहां पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो स्किल भी आपके पास होनी चाहिए कस्टमर फोकस्ड विद गुड लिसनिंग स्किल्स आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको जो है फास्ट पेस इन्वायरमेंट में काम करना होगा तो आपको यहां पर अपने टारगेट्स भी उट करने पड़ेंगे अब देखिए सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है यहाँ पर तीन लाख से लेकर के पांच लाख रुपए तक सालाना सैलरी आपको दी जा रही है प्लस यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड बोनसेस भी दिए जाएंगे इसके साथ साथ यहां पर जिस प्रोजेक्ट में आप करेंगे ये टॉप आईटी कंपनी के लिए होगा और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है तो यहां पर आपको जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी प्रॉपर दिए जाएंगे इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पेड टाइम ऑफ एंड मोर बहुत सारी चीजें और भी यहां पर मिलने वाली हैं आपको तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है गाइज इस वैकेंसी के बारे में मुझे जो पता लगा था ये थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए पता लगा था फिर

के पास होगी दूसरी लोकेशन तो आप घर बैठे उनको मेल कीजिए और हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड